यस बेटा, तो मेरे पास क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, डिटरमाइन इफ थ्री इज द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन दिस। तो आपको यहाँ पे डिटरमाइन करना है कि यहाँ पे जो थ्री है बेटा, क्या वो इस इक्वेशन का रूट हो सकता है। ये चीज आपको निकालनी है कि अगर हम कहते हैं कि जो थ्री है ना वो इस इक्वेशन का रूट है, तो डिटरमाइन करके बताओ कि कैसे कैसे ये हो सकता है। तो अब मुझे करना क्या है, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये मेरे पास राइट हैंड साइड है, मुझे क्या करना है, मुझे इनको सॉल्व करना है और मेरा इन दोनों का आंसर जो है ना इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आता है तो यस, और अगर इक्वल नहीं आता तो नो। तो ये आपको एक एक करके करना है। अब इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ कुछ अलग नहीं था, कि कुछ ऐसा नहीं था कि बच्चा ना अटेम्प्ट कर पाए, बट क्योंकि कई बार बच्चा ऐसा क्वेश्चन देखता है तो डर जाता है, इसलिए जस्ट मैंने इसको पिक किया है। तो देखो इसमें कैसे करेंगे हम, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री, और प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस नाइन। अब अगर वैल्यूज को पुट करें तो एक्स की जगह क्या आएगा, थ्री। तो थ्री का स्क्वायर माइनस फोर थ्री प्लस थ्री, कैसे, एक्स का स्क्वायर है तो थ्री का स्क्वायर माइनस फोर एक्स की जगह थ्री प्लस थ्री, और प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर की जगह यहां पे भी क्या आएगा बेटा, थ्री का स्क्वायर माइनस नाइन। अब थ्री का स्क्वायर कितना होगा बेटा, नाइन माइनस फोर थ्री जा ट्वेल्व प्लस थ्री, और यहां पे भी आएगा अंडर रूट में थ्री का स्क्वायर नाइन माइनस नाइन। अब अगर आप करो बेटा इसको सॉल्व, तो नाइन प्लस थ्री हो जाएगा ट्वेल्व, और ट्वेल्व में से ट्वेल्व क्या जीरो, तो अंडर रूट जीरो। प्लस इसको भी सॉल्व करते हैं बेटा, नाइन में से नाइन क्या जीरो, तो ये तो जीरो ही आ गया, ये तो जीरो ही आ गया, इसमें तो कुछ ऐसा था ही नहीं। अब अगर हम देखें राइट हैंड साइड का, तो इसको भी देखते हैं बेटा राइट हैंड साइड में क्या बोल रहा है। राइट हैंड साइड में हमें दे रखा है अंडर रूट फोर एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 16। सो इसमें भी बेटा हम एक एक करके यहां पे क्या कर देंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। तो अगर हम वैल्यू को पुट करें तो फोर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा बेटा, थ्री का स्क्वायर माइनस 14 थ्री, और प्लस में 16। अब अगर हम देखें यहां पे तो थ्री का स्क्वायर कितना होता है बेटा, थ्री का स्क्वायर होता है नाइन, और नाइन फोर जा कितना होता है ट्वेल्व, नाइन फोर जा 36, प्लस 14 को हम यहां पे 3 से करेंगे तो 14 को 3 से करके आएगा बेटा 42, और प्लस सॉरी ये माइनस है यहां पे, और 16 का तो 16 ही रहेगा। देन 16 और 36 और 36 और 16 प्लस होके आएंगे बेटा अंडर रूट में 52, और माइनस में आएगा बेटा 42, और अब अगर आप करोगे तो अंडर रूट 10 आएगा, जो कि इक्वल नहीं है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो इक्वल नहीं हो रहा, तो अगर ये इक्वल नहीं हो रहा तो इसका मतलब रूट जो थ्री है बेटा वो रूट नहीं है इस पूरी इक्वेशन का। थ्री जो है बेटा वो इस पूरी इक्वेशन का रूट नहीं है। कब होता है ये बेटा रूट, अगर ये दोनों आंसर मेरे क्या आते बेटा, सेम आते, बट ये सेम आए नहीं।